मैं बचा हूँ अभी। हम मिलेंगे भीमली वाली बीच पे। भीमली वाली बीच यहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। गई थी लेकिन कुछ कर गया फिर मंडप की तरह कुछ गए थे। ये रहे हमारे सब्सक्राइबर जो आए हैं वेस्ट बंगाल से। सारे गांव का एक छोटा सा घर है, उसमें चूल्हा है, चूल्हा में हम रसोई करते हैं। जो भी बहुत अच्छा है। खूबसूरत वादियों से बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और हम पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और नानी जी भी खड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ आते ही घर वालों ने देखिए क्या काम शुरू कर दिया है, वो मैं दिखाती हूँ। देखिए आते ही अपने कपड़े धोना शुरू कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पानी कभी भी जा सकता है। हमारे हिमाचल की तरह नहीं कि 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। तो ये अभी आता है सुबह सुबह तो कपड़े धो रहे हैं। यहाँ इसका फायदा उठा के मैं भी जल्दी से अपने कपड़े ले आती हूँ और एक दो दिनों से जो कपड़े रखे हैं धोने के लिए उनको धो देती हूँ। तो मैं कपड़े धो लेती हूँ, मिलती हूँ आपको कुछ ही देर में। मैं जा रही हूँ भाई के साथ दूध लाने के लिए। तो ये बैग हमने ले लिया है और अपने बर्तन डाल दिए इसमें। तो चलते हैं जल्दी जल्दी दूध लाने के लिए। चलिए दूध तो ले लिया है, अब यहाँ से ले लेते हैं कुछ ताजी सब्जियाँ और चलते हैं दोबारा रूम की ओर। हम कपड़े धो के और गंगा स्नान करके फ्री हो चुके हैं और किचन से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, देखते हैं भाभी जी क्या बना रहे हैं अंदर। क्या बना है किचन में आज? बने हैं पनीर। क्या बने हैं? क्या बोलते हैं इनको? चावल के बाबू चिलड़ू। अच्छा, ये बने हैं आज किचन में चावल के आटे के बबरू या चिलड़ू, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये बनी है भिंडी की सब्जी, मेरी फेवरेट। अभी जल्दी से कर लेते हैं पेट पूजा और कुछ देर आराम करने के पश्चात तैयार होके चलेंगे हम विशाखापट्टनम की सैर पे। अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और हम सब खाना खा के तैयार हो चुके हैं। अभी हम चलेंगे बीच पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे आंटी जी ने अपने माया भी निकाल के गिनना शुरू कर दी है, देखिए। और बाकी दिखाती हूँ मैं तैयार हुए कि नहीं। भाभी अभी तैयार हो रहे हैं और बाकी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये मैं बचा हूँ अभी। भाई अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, पता नहीं कब तैयार होंगे। और ये है नानी जी, तैयार होके बैठे हैं बड़ी देर से। ये गोलू है, इसको अभी पाउडर डालने के लिए रह गया है, अब फिर सब पाउडर पाउडर हो जाएगा। और ये अभी अपना मेकअप करेगी। करो करो, शाबाश। हम तैयार होके निकल चुके हैं, अभी हम मिलेंगे भीमली वाली बीच पे। भीमली वाली बीच पे, रुचिकोंडा बीच पे। ऋषिकोंडा बीच के पास पहुंच गए हैं, लेकिन हम जाएंगे पहले यहाँ पे मंदिर, उसके बाद हम बीच जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर के नज़ारे, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। तो ये मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ दिख रही है, इन सीढ़ियों को चढ़कर हमें जाना है ऊपर टॉप पे। और अभी यहाँ पे मौसम का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। आज थोड़े बादल छाए हुए हैं भीमली पट्टनम में। वहाँ देखिए ये दीवार पत्थर से किस तरह से बनाई गई है, बहुत ही प्यारी। गर्मी से बहुत बुरा हाल है और सीढ़ियाँ भी बहुत है चढ़ने के लिए। तो हम लोग अभी आराम से जाएंगे धीरे धीरे। हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए सामने एक पहाड़ की चोटी दिख रही है और दूसरी तरफ दिख रहा है हिंद महासागर का किनारा। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, जो नज़ारा बड़ा ही प्यारा है।
ठंडी ठंडी हवाएं चलना भी शुरू हो गई है तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल चुकी है। अभी हम सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही मंदिर के पास पहुंचेंगे वहां का नज़ारा और भी खूबसूरत है, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। बाकी की बची हुई सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात हम पहुंच जाते हैं वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर। ये मंदिर ऊंचाई पे स्थित है तो यहाँ से आसपास का नज़ारा बड़ा ही प्यारा दिखता है। मंदिर पहुंच के सबसे पहले वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद लेने के पश्चात हम यहाँ के अद्भुत नजारों को अपने नेत्रों में बसा लेते हैं। कुछ देर मंदिर के प्रांगण में सुकून से बिताने के पश्चात हम चल पड़ते हैं वापस ऋषिकोंडा बीच की ओर। अभी शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और हम मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करके अभी जा रहे हैं बीच की ओर। शाम का समय है, सनसेट भी बहुत प्यारा हो रहा है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं बीच में। अभी हम पहुंच चुके हैं बीच के किनारे। यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ कितने आगे चल रहे बच्चे। सभी ले रहे हैं सागर की लहरों का आनंद। कुछ देर बाद मैं भी जाऊंगी लहरों का आनंद लेने के लिए। ये देखिए बच्चे और कुछ लोग हैं, देख मजे लेने ना। वही देखिए ऊपर में कुछ पकड़ना पड़ेगा। समंदर के तट पे जाके समंदर की लहरों के साथ खेलने का ये मेरा पहला अनुभव था। मैं तो समंदर की लहरों के आगे पीछे भाग रही थी लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मंडप की तरह उछल गए थे। एंजॉय करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस। आए तो थे जूतियाँ पहन के लेकिन जाना पड़ रहा नंगे। मैं अरे मेरी जूतियाँ पहन ही गई, वो तो मम्मा ने उठा रखी है क्योंकि मेरे पाँव में रेत चिपक चुकी है। फिर अपने आशियाने की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें आंध्र प्रदेश के कल्चर की एक प्यारी सी झलक देखने को मिलती है। जाते वक्त तो सब कुछ ठीक था लेकिन आते वक्त कुछ कुछ लोगों के हालात ऐसे हो जाते कि उन्हें मुंह छुपाना पड़ता है। करो कैमरा में जल्दी फोकस करो, मुंह छुपाते हुए फोकस तो कर दिया है मैंने, शक्ल में लगा लूंगी। अभी हम बाहर घूम के आ चुके हैं और अभी चल रही है यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। तो भाभी बना रहे हैं यहाँ पे खाना। क्या बन रहा है आज खाने में? आज बन रहा है आलू और साग। आलू और साग, कोई स्पेशल साग है यहाँ का, पता नहीं कैसा है, मैं भी पहली बार ही खाने वाली हूँ। और यहाँ पे भैया कर रहे हैं कुछ तैयारी क्योंकि हमारे यहाँ पे आज पधारे हैं कोई स्पेशल मेहमान, वो है मेरे सब्सक्राइबर और वो आए हैं वेस्ट बंगाल से। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अभी मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, तो आपको भी मिलवाती हूँ मैं उनसे। तो ये रहे हमारे सब्सक्राइबर जो आए हैं वेस्ट बंगाल से, तो आप बताएंगे अपने बारे में कुछ। हाँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो हूँ बंगाल से लेकिन मैं बहुत ज्यादा मतलब वीडियो देखता हूँ और मेरे को गांव का वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वो वीडियो का सब्सक्राइब इसलिए कर रखा हूँ कि मेरा जब टाइम पास नहीं होता है वो वीडियो हर एक वीडियो में देखने को मिलता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी। और इनका जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सटाक से लेकर फटक से। अच्छा सटाक और फटाक वाले इनको जानते हैं।
ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ। और नॉट ओनली फटक, उसके जितना भी स्क्रिप्ट है वो सारे स्क्रिप्ट मैं पसंद करता हूँ। सारे गाँव का एक छोटा सा घर है, उसमें चूल्हा है, चूल्हा में हम रसोई करते हैं जो भी करते हैं, और खाना पीना बिल्कुल था सिंपल एकदम, काम करते हैं अपने मामी के साथ जाके वही चीज ले आके पीते, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अरे मेरा मुंह लंबा है ना। अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और हम पेट पूजा करके फ्री हो चुके हैं, तो अभी बहुत थके भी हुए हैं, अभी करेंगे रेस्ट और कल फिर मिलूंगी मैं आपको दोबारा से विशाखापट्टनम की नई नई जगहों के साथ। तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ममता ठाकुर मिलती हूँ आपको जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल।